हेलो बच्चों, मैं अनीता आपके साथ फिर से आई हूँ यहाँ पे इस वीडियो को शेयर करने के लिए। आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 7 आई एम नॉट स्केयर्ड एनी मोर की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें अमित के बारे में था जो कि अंधेरे से डरता था और वो पिकनिक पे गया हुआ है। वो विजय के साथ ठहरा हुआ है और उसे जो है काफ़ी डर लग रहा था। तो किस तरीके से अमित ने विजय को कंफर्ट किया। Amit shone his torch through the opening of the tent. Look, it's just harmless little owl, he pointed out. Vijay smiled at Amit through his tears. Amit, he asked slowly, are you going to tell anyone else about this? तो अब जो है अमित अपने दोस्त को थोड़ा सा कंफर्ट करते हुए कहता है कि भाई उसे डर लग रहा था क्योंकि टेंट के बाहर से आवाज़ आ रही थी और इसलिए उसे जो था डर लग रहा था और इस बात से वो रो भी रहा था। तो अमित ने उसे कंफर्ट करने के लिए थोड़ा सा टेंट का दरवाज़ा खोला और कहा, ये देखो ये तो एक मामूली सा छोटा सा उल्लू है और कुछ भी नहीं है। तो विजय अब थोड़ा सा कंफर्ट फील करने लगा, मतलब थोड़ा आराम महसूस करने लगा और उसने फिर अमित से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम ये इसके बारे में किसी को बताओगे? उसने कहा क्यों, मैं क्यों बताऊंगा किसी को? डेफिनेटली नॉट, सेड अमित ट्रुथफुली। ओ थैंक यू, सेड विजय। आई कांट बियर एनी मोर टीजिंग मी एंड लाफिंग एट मी। डू यू थिंक दैट आई एम वेरी फुलिश एंड अ कावर्ड, कंटिन्यूड विजय सैडली। कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, अमित ने सच्चाई स्थापित करते हुए ही कहा। तो विजय ने उसे थैंक यू कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे चिढ़ाए या मेरा मजाक उड़ाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ और डरपोक हूँ, विजय ने कहा उदास होते हुए। नो आई डोंट, सेड अमित। आई यूज्ड टू नो समबडी जस्ट लाइक यू, बट इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, सेड अमित with a little secret smile in the dark। कहते नहीं, मैं क्यों करूँगा, मैं एक ऐसे ही बच्चे को जानता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। उसने जो है, लेकिन वो बहुत पहले ऐसा था जो डरता था, लेकिन अब वो जो है नहीं डरता है। और उसने एक सीक्रेट सी स्माइल देते हुए विजय से कहा। आप लोग समझ गए होंगे कि वो किसकी बात कर रहा था, वो अपने खुद की बात कर रहा था। तो बच्चों यहाँ पे हमारा लेसन जो है, जो कि सांथिनी गोविंदन के द्वारा लिखा गया है, ख़त्म होता है। आप लोग इसका इंट्रोडक्शन और ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है ऑथर इंट्रोडक्शन, ये करने हैं, प्लस इसके वर्ड मीनिंग्स जो है कॉपी में करने हैं। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। जैसे आप देख रहे हो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज अमित अफ्रेड ऑफ डार्क। अमित अंधेरे से क्यों डरता था? इसका आंसर है, अमित वॉज अफ्रेड ऑफ डार्क बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैकनेस, फ्राइटनिंग नॉइजेस एंड मिस्टीरियस शैडोई शेप्स। क्यों डरता था? क्योंकि उसके काले रंग से और उसकी आवाज़ों से, भयानक आवाज़ों से, इन सब चीज़ों से वो डरता था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड अमित फॉरगॉट हिज वरीज व्हेन ही गॉट ऑन द बस। अमित अपनी चिंताएं कैसे भूल गया जब वो बस में चढ़ा था। इसका आंसर है बच्चों, हमारा आंसर नंबर 2 है, अमित फॉरगॉट हिज वरीज बिकॉज ही स्टार्टेड enjoying विद his फ्रेंड्स when ही was इन द बस। इसका आंसर है, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बस में इंजॉय करने लगा था तब जो है वो अपनी सारी चिंताएँ भूल गया था। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड अमित फील स्केयर्ड वेन ही सॉ द टेंट्स इन द वैली। आंसर नंबर 3 इज, अमित फेल्ट स्केरी व्हेन ही सॉ द
tents because it was going to be dark and they were going to be packed in the tents. तो उसे डर क्यों लग रहा था? क्योंकि अंधेरा होने वाला था और वो लोग जो थे टेंट में पैक होने वाले थे. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड अमित डू टू मेक विजय फील लेस स्केयर्ड इन द टेंट? उसने ऐसा क्या किया कि विजय को जो है कम डर लगे? आंसर नंबर 4 है इसका, अमित सैट अप एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज फ्रेंड टू कम्फर्ट हिज स्केयर्ड फ्रेंड. उसने क्या करा, उसने खड़ा वो बैठा और उसने जो है उसके वो मतलब गले में बाजू डाली और उसे थोड़ा कम्फर्ट महसूस करवाने लगा. क्वेश्चन नंबर 5, वॉट मेड द साउंड दैट स्केयर्ड विजय? कौन सी आवाज़ थी जिससे विजय को डर लग रहा था? आंसर नंबर 5 इज इट वॉज जस्ट अ लिटिल हार्मलेस आउल साउंड दैट मेड विजय स्केयर्ड. वो एक छोटे से और एक हार्मलेस उल्लू की आवाज़ थी जिसकी वजह से विजय को डर लग रहा था. नाउ वी आर गोइंग टू टेक बी पार्ट. अब हम इसका बी पार्ट करेंगे. उससे पहले मैं आप लोगों को इसका बुक वर्क करवा देती हूँ जो कि है टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट का आंसर है ए, फर्स्ट का ए ऑप्शन है. सेकंड में भी ए ऑप्शन है. थर्ड का बी ऑप्शन है. फोर्थ का सी ऑप्शन है और फिफ्थ का बी ऑप्शन है. मैं रिपीट कर रही हूँ, दोबारा देख लीजिएगा प्लीज़. फर्स्ट में ए ऑप्शन है, सेकंड में भी ए ऑप्शन है, थर्ड में बी ऑप्शन है, फोर्थ में सी ऑप्शन है और फिफ्थ में बी ऑप्शन है. नाउ अदर बुक वर्क, पेज नंबर 95 हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भरना है. प्रेजेंट कंटिन्यूस जो यानी कि वो काम जो हमारे बोलने के समय पे चल रहे हो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भरनी है. तो मैं इसके आंसर्स आपको बताऊँगी. फर्स्ट में इज़ गोइंग, सेकंड में इज़ रेनिंग, फोर्थ के पहले में आएगा आर और दूसरे में कमिंग, फिफ्थ में इज़ लर्निंग, सिक्स्थ में आर लिविंग, सेवन्थ में इज़ बेकिंग. पेज नंबर 97, फर्स्ट सेकंड वाले में आएगा वॉज हेल्पिंग, सेकंड वाले में आएगा वॉज हेल्पिंग, थर्ड वाले में आएगा वॉज कलरिंग, फोर्थ वाले में आएगा वॉज पेंटिंग और फिफ्थ वाले में वॉज लर्निंग. वॉज लर्निंग आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग फिर कर सकते हो. अब हमने यहाँ पे सर्कल द करेक्ट वर्ब करनी है. जो करेक्ट वर्ब होगी वही हमने सर्कल करनी है. जैसे फर्स्ट वाला हमारे लिए कर रखा है वॉज लिविंग और रीच्ड, सेकंड में है वॉज प्लेइंग और एंटर्ड, सेकंड में वॉज प्लेइंग एंड एंटर्ड, थर्ड में है वॉज टॉकिंग और सॉ, फोर्थ में है वर बाथिंग, अराइव्ड, वर ईटिंग, वेंट, सिक्स्थ में मेड, वॉज कमिंग, सेवन्थ में वॉज राइटिंग एंड रैंग. वॉज राइटिंग एंड रैंग. आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसका बुक वर्क. पेज नंबर 98, ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं जो कि टाइम से रिलेटेड है. फर्स्ट वाले में आएगा वन डे, फर्स्ट में आएगा वन डे, सेकंड में एट वंस, थर्ड में सडनली, फोर्थ में एन आर लेटर, ऊपर बॉक्स में स्पेलिंग दे रखी है एन आर लेटर, एंड फिफ्थ में पहले ब्लैंक में आएगा फॉर अ वाइल और सेकंड ब्लैंक में आएगा लेट. आप लोग देख के इसका स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर ऑफ पार्ट बी. रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन. कैन यू हियर द नॉइज? हु सेड दीज वर्ड्स? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विजय सेड दीज वर्ड्स.
ये शब्द विजय ने बोले थे। वेयर डिड द स्पीकर थिंक द नॉइज़ केम फ्रॉम? स्पीकर को क्या लगा था कि नॉइज़ कहाँ से आ रही है? द स्पीकर थॉट दैट द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द टेंट। स्पीकर को ये लग रहा था कि टेंट के बाहर से ये आवाज़ आ रही है। सेकेंड क्वेश्चन, आई यूज टू नो समबडी जस्ट लाइक यू, हु सेड दीज वर्ड्स? ये शब्द किसने कहे थे? अमित सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे थे? अमित ने। बी क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा था? द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो खुद अपने बारे में बात कर रहा था। नाउ डी क्वेश्चन, डी पार्ट, थिंक एंड आंसर। व्हाई वाज अमित टू शॉक टू रिप्लाई? अमित क्यों इतना हैरान हो गया था रिप्लाई करने के लिए? इसका आंसर है, अमित वाज टू शॉक्ड टू रिप्लाई बिकॉज ही मेट अ बॉय हु वाज जस्ट लाइक हिम हु वाज स्केर्ड ऑफ डार्कनेस। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, यस वी थिंक दैट अमित गॉट ओवर हिज फियर ऑफ द डार्क, वी कैन से सो बिकॉज ही कम्फर्टेड विजय सो इजीली एंड ही हिमसेल्फ ऑल्सो फेल्ट रिलैक्स्ड। आई होप आप लोगों को आंसर्स मिल गए होंगे, पता चल गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कर सकते हो। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।